So hey guys, happy holy to all of you. In this video I'll be reviewing your SSC mains, जिसका कल पेपर खत्म हो गया. इसकी शुरुआत हुई थी 2 तारीख को, कल इसका लास्ट शिफ्ट था. तो ये एनालिसिस मैंने करी है, कुछ मेरे दोस्त हैं जो एग्जाम्स दे रहे थे. पहली एग्जाम हुई थी 2 तारीख को मेरे एक फ्रेंड की, कल एक का था, बीच में दो बंदों ने और दे रखा था. तो ये एनालिसिस किसी दूसरे से पूछ के मैंने नहीं करी है, मेरे फ्रेंड्स सर्कल में जितने सारे एग्जाम दिए हैं मैंने उनसे कंसल्ट करके ही ये एनालिसिस आपके लिए बनाया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहला जो चीज है वो है मैथ्स. अगर मैथ्स की बात करें तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम बंदे जितने जिन्होंने मैथ्स बनाया है वो 25 प्लस अटेम्प्ट्स हैं उनके, एंड 25 प्लस इज अ गुड अटेम्प्ट विद अ गुड एक्यूरेसी इफ यू हैव, सो इट इज अ गुड अटेम्प्ट. ठीक है. लेवल अगर बात करें मैथ्स की, तो पहले जो एसएससी पूछती थी उससे थोड़ा सा कम लगा मुझे क्वेश्चंस देख के, थोड़ा सा कम था जो प्रीवियस एसएससी एग्जाम्स होते थे उससे. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजनिंग. अगर रीजनिंग की बात करें गाइस, ये थोड़ा सा वैसा ही पेपर था रीजनिंग का जैसे पहले एसएससी पूछती थी, लगभग लेवल वैसा ही था. बहुत ज्यादा कुछ फ्लक्चुएशन इसमें देखने को नहीं मिले. तो अगर बात करें अटेम्प्ट्स की, 25 प्लस अगर आपके अटेम्प्ट्स है तो इट इज अ गुड वन. 25, 26, 27 जिन्होंने बनाया, बहुत कोई 30 में से 30 बनाए हैं, बहुत कई लोगों ने, सो इट इज अ गुड वन. बाकी एक्यूरेसी, अगेन आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगी कि आप कितना सही मार गया हो, यह सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है. बात करते हैं अब इंग्लिश की. इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस थे. इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट जो मेनली एक्यूरेसी पे ही आपका डिपेंड करता है कि आप कितने एक्यूरेट तरीके से इसको बनाते हो. क्योंकि अगर बहुत सारे केसेस में ये देखी जाती है कि अटेम्प्ट तो आप किए हो 45 पर आपके मार्क्स आए हैं, मतलब समझ रहे हो 30 सही होते हैं किसी के, 25 सही होते हैं किसी के. तो इंग्लिश इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी. तो मैक्सिमम जो एक्यूरेसी देखी गई फ्रेंड्स ने जो बनाए वो 35 प्लस अटेम्प्ट थे उनके, एंड दे हैव अ गुड एक्यूरेसी. बहुत साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, चार पांच साल हो गए इन सबको प्रिपरेशन करते हुए. तो आप समझ सकते हो कि एक्सपीरियंस बंदे हैं सारे. नाउ ये अब टाइम ही बताएगा कितनी एक्यूरेसी, कैसे कितने मार्क्स वो फेच करते हैं. ठीक है. अगर लेवल की बात करें इंग्लिश की, तो वैसा ही था जैसे पहले एसएससी पूछती है, वही नॉर्मल सेम, नो फ्लक्चुएशन. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जीके, मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन ऑफ एनी एग्जाम्स, आइदर इट इज बैंकिंग आइदर इट इज एसएससी. ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है, पता नहीं चलता यार कहां से पूछती है एसएससी वाले. तो इसमें बहुत देखा गया कि जो करंट है वो कुछ ज्यादा नहीं था, बहुत पुराने पुराने क्वेश्चंस थे और ज्यादा फ्लक्चुएशन इसी में देखा गया है. स्टैटिक पोर्शन भी थे वो बहुत पुराने थे एंड अनप्रेडिक्टेबल था गाइस. ये स्पेशली जीके सेक्शन था वो अनप्रेडिक्टेबल था. इफ यू टॉक अबाउट द अटेम्प्ट्स, 15 प्लस अटेम्प्ट्स इज अ गुड अटेम्प्ट, 15 प्लस इज अ गुड अटेम्प्ट विद एक्यूरेसी. इफ यू हैव अ 15 प्लस एक्यूरेसी इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट. कंप्यूटर इज ऑल अबाउट तुक्का, तुक्का मारो मार्क्स ले आओ. थोड़ा टफ था गाइस कंप्यूटर का क्वेश्चन, ऑल्दो ये मार्क्स कैरी नहीं करेगा आपका, ये जस्ट क्वालिफाई है. सो इट वॉज नॉट दैट इंपॉर्टेंट नहीं था, बट आपको क्वालिफाई ऑब्वियसली इसमें करना है. अगर अटेम्प्ट की बात करें मैक्सिमम लोगों ने 20 में से 20 मारे, तुक्के कुछ मतलब इसमें 15 प्लस जिन्होंने भी मारा हुआ तुक्का ही मारा हुआ. ठीक है. क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इसमें सिर्फ लाने हैं, तो डोंट बॉदर टू मच अबाउट दिस. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टोटल मार्क्स यू आर गेटिंग, खैर ये तो पता चलेगा कि आप कितना मार्क्स फेच करते हो, ये तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, क्या आपने कर रखा है. बट स्टिल अभी चूंकि एनालाइज कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 260 प्लस एनीथिंग यू आर गेटिंग इट्स अ गुड मार्क्स, अच्छा मार्क्स है ये. बाकी फिर एक एनालिसिस करेंगे जब आंसर की आ जाएगा, 4-5 दिन में इसका आंसर की मिल जाएगा आपको, तो तब एक प्रॉपर एनालिसिस करी जाएगी. फिलहाल के लिए इतना ही. एंजॉय करो होली. चीयर्स.